माइक श्रीमती एमपी कुरेत हिंदी अध्यापिका सरकारी प्रौढ़शाला मुर्कीबा। आज हमारे पाठशाला के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने मोबाइल का बोलबाल पाठ का समाप्त कर रहे हैं। आइए बच्चों। मेरा नाम का नीलमा, मेरा पाठ का नाम प्रेशर। मेरा नाम भारती, मेरा पात्र का नाम टेलीफोन। मेरा नाम प्रीति शिशा सावरगी, मेरा पात्र का नाम मोबाइल। मेरा नाम भारती सावरगी, मेरा पात्र का नाम टीवी। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है उसे। अब अपनी जिंदगी खत्म होती है लग रही थी। सदियों से उसका एक छत रास्ता पड़ा रहा, बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उसे कोई नहीं पूछता। तभी मिस्टर शर्मा आकर अपने मोबाइल करता। दिखने में चूहे जैसा, ना मुझ ना कुछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। चल दो घर से आकर बेटा, मेरा गया पास, तेरी औकात क्या मेरे ऐसा माने। क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं, तो गुस्सा क्यों रहे हो? मुझे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। गुस्सा ना करो तो क्या करो, पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुमने अपनी छाती से लगाए ढूंढते थे, एक क्षण के लिए भी जुदाई नहीं सह कर सकते। टेलीफोन भैया, ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है? बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगी मैं करूँगी। तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नई नई रूप बाजार में सकते हैं। तुम्हारे साथ भी कभी इस तरह का व्यवहार होगा, देख नहीं रही? मेरा हाल मेरा सुंदर से मुखे पर दूर जमी पड़ी है। भाई नाराज मत हो, अब तुम मेरे अग्रज है। अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, सदियों से तुम्हारा ही राज था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, एक ना एक दिन तो यह होना ही था। अपनी आवाज सुने मुझे महीना बीत ही जाते हैं। पहले से मेरे मालिकन मेरा सेवा करती थी, क्या मजा की तोड़ी सी मिट्टी थी गिर जाए हुए। मैं दिन भर गुनगुनता रहता था, मधुर और मिट्टी आवाज है। बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार के आज के जाने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। अच्छा बच्चू, आज तुम मुझे उपदेश नहीं रही। तुम्हारे साथ भी कभी इस तरह का व्यवहार होगा तब पता चलेगा। याद रखना समय नहीं रही। मेरे पहले दोस्त तुम्हें रहा था। अरे यह तो दादी से बसे आ गया है। यदि मुझे सोचने में कुछ देरी हो जाती थी वो तो लोगों की बैठने पर जाती थी, पर तुम जब से आई वो तो लोग इतना ही सब तुम पर ही गिटर फिटर करने लगे। टेलीफोन भैया सॉरी। चिट्ठी बहन निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आप स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं, पता नहीं है। तुम सच कह रही हो, अब मैं मोबाइल की खोज की जा रही है। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ भैया, ना मुझ में कुछ उसे पहले खुश खुश रहना सीखो। धन्यवाद।